हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके। डेली करंट अफेयर्स जीके का पार्ट फर्स्ट, जो कि एक क्विज के रूप में स्टार्ट हो रहा है। साथियों, आज 1 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यूवी कंपटीशन, साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, इसके साथ मैं अनअकैडमी ऐप पर राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी ऐप पर मैं आपका एक एजुकेटर हूँ, तो मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके, यानी कि करंट अफेयर्स जीके क्विज। सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 से बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वह भारत में के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई थी वह जयंती थी 144वीं, और इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया, जो कि गुजरात में है, गुजरात के नर्मदा नदी पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये बनी हुई है जो कि गुजरात केवड़िया में बनी हुई है, और गुजरात का केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है। सरदार जो पटेल जी थे, उनको देश के एकीकरण में रियासतों के गठबंधन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, सिख गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर किस देश ने नया सिक्का जारी किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। साथियों, इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाई गई, और इस 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में पाकिस्तान ने एक नया सिक्का जारी किया है, जो कि पाकिस्तान की करेंसी के अनुसार नया सिक्का जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। नया सिक्का जो पाकिस्तान की करेंसी के अनुसार 50 रुपए का सिक्का है, और यह सिक्का यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब पर उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। साथियों, अभी भारत देश को बढ़ावा दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होगा, और 31 अक्टूबर 2019 से 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत देश में होंगे। जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर जो है उसका उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर जो है उसका उपराज्यपाल बनाया गिरीश चंद्र मुर्मू को, और लद्दाख जो है उसका उपराज्यपाल बनाया गया है राधा कृष्ण माथुर को। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और पूर्व लोकायुक्त एन वेंकट चला का निधन हुआ है, वह किस राज्य के लोकायुक्त थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक के। और जो एन वेंकट चला है, उन्हें लोकायुक्त के रूप में भ्रष्ट अधिकारियों पर छापे मारने
और उनके नाम और जब्त संपत्ति का खुलासा करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु कृषि उपज और पशु धन अनुबंध खेती और सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। और इस प्रकार की मंजूरी मिलने वाला इस प्रकार की मंजूरी जो मिली है, यानी कि इस अनुबंध खेती पर जो कानून बनाया है, वो पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 30 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम था वह क्या थीम था? चेंजिंग द वर्ल्ड, इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस दिन की बात की जाए तो वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए आसान्वित है यह दिन। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास शक्ति का आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 तक कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथियों, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय जो अभ्यास शक्ति है उसका आयोजन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक राजस्थान राज्य में किया जाएगा और यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच यह संयुक्त अभ्यास के अंतर्गत अर्ध रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में आतंकवाद का मुकाबला करने से जुड़े परिचालनों पर फोकस किया जाएगा और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी दत्ता पड़सलगीकर, ऑप्शन सी एस चंद्रा, ऑप्शन डी राजीव शुक्ला। तो हाल ही में जो वर्तमान में अजीत डोभाल हैं उनकी जगह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में दत्ता पड़सलगीकर को नियुक्त किया गया है। दत्ता पड़सलगीकर 1982 बैच के IPS अधिकारी हैं और यह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र के DGP से भी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चीक है जो कि आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें। UV कंपटीशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करें और इस वीडियो का PDF आपको का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।